वेलकम टू पेरेंटिंग गुरुकुल। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेट प्यूरी। कैरेट प्यूरी बनाने के लिए मैंने बेबी कैरेट यूज़ की हैं। अगर आप चाहें तो नॉर्मल कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। बेबी कैरेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। कैरेट के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि बच्चों की आई साइट को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ इनके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैरेट बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये एक बहुत ही हेल्दी फूड है। अगर आप चाहें तो डेली बच्चों को कैरेट प्यूरी खिला सकते हैं। आप इन्हें 6 महीने के बाद बच्चों को दे सकते हैं। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम अपने बेबी को दी थी तो उसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था। इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसे इडली मेकर में भी बना सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं। आज मैं इडली मेकर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम बच्चे को दे रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा पतला बनाएं ताकि बच्चे इजी से इसे खा सके। और ये बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी फूड है, जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हम स्टीम इसलिए करते हैं ताकि इसका टेस्ट बना रहे और इसके न्यूट्रिएंट्स भी बने रहें। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसे पतीले में भी पानी डालकर उबाल सकते हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ना डालें। पानी इतना डालें जिसमें कि ये अच्छे से पक जाए। ये हमारा बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो गई है। अब हम इसे मिक्सर में डालकर प्यूरी बना लेंगे। मैंने इसमें बॉइल्ड वाटर यूज़ किया है। जब भी आप बच्चे को खाने में पानी दें तो बॉइल्ड वाटर ही यूज करें। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल प्यूरी बन गई है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हल्का सा पतला कर लीजिए। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा।